आप हैं बिहार संवाददाता के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। जन स्वराज जो मुहिम जो चली है अब वो एक वृहद आंदोलन का रूप लेने लगी है। तमाम बिहार ही मत कहिए, देश के तमाम जो आईएएस और आईपीएस हैं इस आंदोलन से जुड़ रहे हैं। शायद सरकार में रहते हुए जो काम नहीं कर सके अब कुछ समाज को देना चाहते हैं। लेकिन हम जानना चाहेंगे, हमारे साथ केवी सिंह हैं, सारण के रहने वाले हैं और डीआईजी संचार रहे, यानी कि इनका काम उस समय ये होगा कि जो भी उस समय टेररिस्ट और जो भी हों उनकी बातों को सुनना और तुरंत कार्रवाई करने के लिए प्रेषित करना। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद। सबसे पहले ये सवाल आपसे एक है, जन स्वराजी क्यों? देश में और भी पार्टियां हैं और जब भी कोई आईएएस और आईपीएस किसी पार्टी को ज्वाइन करता है तो उसकी लालसा एक निश्चित तौर पर रहती है कि कहीं ना कहीं का राज्यपाल बना दिया जाऊंगा, कोई ना कोई बड़ा पद निश्चित तौर पर मिलेगा। जन स्वराज ही क्यों? देखिए, हम लोग जन स्वराज ज्वाइन इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हम लोगों को किसी पद की लालसा है। हम लोग लालसा रहित होकर के जन स्वराज बिहार को बदहाली से निकालने के लिए प्रशांत किशोर के साथ जो आ रहे हैं, इसमें कोई दो ओपिनियन नहीं है कि आज बिहार में राजनीतिक पार्टियों का व्यवसायीकरण हो चुका है। जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं आप देख लीजिएगा, किसी न किसी तरह से एक व्यवसाय के रूप में कार्य कर रही हैं। बिहार की सेवा से उन्हें कोई मतलब नहीं रह गया है और प्रशांत ऐसे स्थिति में, सर राजनीतिक पार्टियों को सेवा से मतलब नहीं रह गया तो आईएएस और आईपीएस को कहाँ मतलब हो गया है? वो भी तो एकदम एसी गाड़ी में बीच रोड में खड़ा करके सब्जी खरीदते हैं साहब। आप लोगों कहाँ सेवा? आपको मैं नहीं कह रहा हूँ, आपकी जो अगली पीढ़ी अभी चल रही है। बिल्कुल ठीक। देखिए, सब कुछ डिपेंड करता है कि सरकार कैसी है। अगर सरकार ठीक है तो आईएएस आईपीएस सरकारी सेवक उनके घर पर घरेलू नौकरों का काम नहीं करेंगे, लेकिन जब सरकार ही का ये हाल रहेगा तो इसका नजायज़ फ़ायदा वो उठाएंगे। तो सरकार की कमजोरी के चलते ऐसा हो रहा है। ऐसे में अगर प्रशांत किशोर यह आश्वासन देते हैं और इस तरह प्रयत्नशील हैं कि हाँ हम एक अच्छी सरकार देंगे जो भ्रष्ट नहीं होगी। ऐसा आश्वासन नीतीश कुमार ने 2005 में दिया था सभी आईएएस आईपीएस को कि एक ऐसी सरकार देंगे जो एकदम खरी खोटी सरकार होगी, और आज देख लीजिए उस सरकार को। ठीक है, वो आश्वासन पर खड़े नहीं उतरे, इसीलिए तो आज आप इस तरह की बात हमसे कर रहे हैं। अगर आश्वासन पर वो खड़े उतरे होते तो शायद यह प्रश्न पूछने की आवश्यकता नहीं होती। आश्वासन पर वो खड़े नहीं उतरे, ना आईएएस खड़े उतरने नहीं दिए उन्हें। आईएएस उनके अंडर में काम करते हैं कि वो आईएएस के अंडर में काम करते हैं, उनके अंदर में काम करना पड़ता है, तो फिर वो क्यों नहीं आईएएस को दुरुस्त करके रखते हैं जो उनके अंडर में काम करें, ये उनके अंडर में काम नहीं करें। आईएएसों को तो डर होता है कि बस तुरंत फाइल पलटने के लिए सचिवालय में बुला लेंगे। ठीक है, तो हाँ आईपीएसों को भी यही डर है, तो हाँ में हाँ मिलाने के लिए वो अफसर को अपने पास बुलाएंगे तो फिर अच्छे प्रशासन की उम्मीद कैसे करेंगे। मैंने आप मानते हैं कि सत्ता में यदि भ्रष्टाचार की कहीं ना कहीं कड़ी और शुरुआत जुड़ भी रही है तो आईएएस और आईपीएस उसके लिए दोषी हैं? आईएएस आईपीएस अगर अपने बहुत करेंगे तो उनको उस पद से हटा देंगे जी। तो बहुत से लोग इसमें हैं जो हट जाना पसंद करते हैं लेकिन गलत कार्यों के लिए झुकना पसंद नहीं करते। 100 में मेरे ख्याल से एक ही दो लोग ऐसे, एक दो होंगे, अब वो परसेंटेज तो मैं नहीं बतला सकता हूँ, लेकिन अभी भी ऐसे पदाधिकारी हैं जो टूट जाना पसंद कर देते हैं लेकिन गलत कामों के लिए झुकना पसंद नहीं करते हैं। जन स्वराज का भविष्य किस तरह, क्योंकि अभी सत्ता नहीं मिली है। कहा जाता है कि जब सत्ता मिलती है तभी भ्रष्टाचार आता है। आपसे और भी लोग जुड़ेंगे जो आज दूसरी पार्टियों में है, जहां कल सत्ता मिलेगी आपके तरफ दौड़ेंगे और आप भी अपने वोट बैंक को, अपने कार्यकर्ताओं का जो समूह है उसे बढ़ाने के लिए निश्चित तौर पर उसे भी लेंगे। यह आप पूछ रहे हैं भविष्य की बात है, अब आगे सत्ता मिलने पर क्या होगा,
अभी से इसकी कल्पना कर लेना उचित नहीं होगा। सत्ता अगर मिल जाती है तो हमारे कार्यों को आप देखिए और उसके बाद इस कोई ओपिनियन आप उस पर दे सकते। सत्ता तो अन्ना ने दिलाई थी केजरीवाल को, देख रहे हैं क्या हो रहा है। केजरीवाल क्या कर रहे हैं ये जग जाहिर है, उनके दो दो मंत्री जेल में हैं ये भी लोग देख रहे हैं। तो सत्ता पाई का उम्मीद नहीं, वैसी बात बहुत लोग हैं जो सत्ता में आने के बाद भी, जैसे आप देखिए बहुत से राज्यों में ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो सत्ता में आने के बाद भी, अब यूपी में देख लीजिए योगी सत्ता में आने के बाद भी उन पर तो करप्शन का आज तक तो कोई चार्ज नहीं लगा। मैंने आप योगी को अच्छा मुख्यमंत्री मानते हैं? मैं निश्चित रूप से एक अच्छा मुख्यमंत्री मानता हूं जिसके ऊपर आज तक कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा, जो तुष्टिकरण में विश्वास नहीं करता है, जो नियम कानून से चलता है, वहाँ कानून का राज। ऐसे तो प्रधानमंत्री पे भी नहीं लगा है? प्रधानमंत्री को अच्छा प्रधानमंत्री जरूर मानता हूँ, कम से कम भ्रष्टाचार का आरोप तो किसी ने आज तक नहीं लगाया उन पर। एक केवी सिंह जी थे सारण से, डीआईजी के पद से संचार से रिटायर हुए, और उन्होंने कहा कि वास्तव में जब मुख्यमंत्री कहीं किसी राज्य का मुख्यमंत्री या देश का प्रधानमंत्री जब है वो ढीला पड़ेगा तो निश्चित तौर पर जो अधिकारी हैं उसके ऊपर हावी होते हैं। लेकिन वहीं उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी और प्रधानमंत्री की तारीफ भी की कि अभी तक उनके ऊपर कोई भ्रष्टाचार का आरोप तो नहीं लगा है, इसलिए उन्हें वो जेन्युइन प्रधानमंत्री और योगी को जेन्युइन मुख्यमंत्री मानते हैं। अब देखना ये होगा कि जब जन सुराज के माध्यम से प्रशांत किशोर सत्ता के करीब पहुंचेंगे तो क्या जो ये आंदोलन ईमानदारी का आज चल रहा है उस समय तक ये जाहिर रहेगा या उसमें भी दूसरे पार्टियों के जैसे भ्रष्टाचारी जो हैं अपनी एंट्री बनाने की कोशिश करेंगे, उस पर भी नज़र रहेगी। आप बने रहिए बिहार संवाददाता के साथ।